बॉलीवुड की पुरानी फिल्मों में आप सभी ने माँ का किरदार निभाती हुई बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री निरूपा रॉय को तो देखा होगा, जो कि हमेशा से ही ज्यादातर माँ का किरदार बड़ी ही खूबसूरती से पर्दे पर पेश करते हुए नजर आती थी, जिन्हें दर्शक भी माँ के किरदार में काफी ज्यादा पसंद करते थे। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज बीते हुए इतने सालों में ज्यादातर मूवीज में माँ का किरदार निभाकर मशहूर हुई अभिनेत्री निरूपा रॉय आज कहाँ है, क्या करती हैं और कैसी दिखाई देती हैं? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें, क्योंकि आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देने वाले हैं अभिनेत्री निरूपा रॉय के आज से रूबरू कराकर। मगर उससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बॉलीवुड में माँ का किरदार निभाकर मशहूर हुई अभिनेत्री निरूपा रॉय का जन्म 4 जनवरी 1931 को वलसाड गुजरात में हुआ था, जिसके चलते अपनी सारी पढ़ाई उन्होंने वहीं से पूरी की थी। बात करें इनके एक्टिंग करियर के बारे में तो आपको बता दें कि इनके एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 1986 में आई गुजराती फिल्म रनक देवी से हुई थी और उसी साल इन्होंने हिंदी सिनेमा जगत में अपना डेब्यू किया था। और जिस हिंदी फिल्म में ये पहली बार नजर आई थी उसका नाम है अमर राज, जिसमें इनके अभिनय को काफी पसंद किया गया था, जिसके बाद इन्हें कई सारी फिल्में मिली, जिसमें उधार, दो बीघा जमीन, चालबाज, कौन अपना कौन पराया और गृहस्थी जैसी फिल्में शामिल हैं, जिनमें से ज्यादातर फिल्मों में इन्होंने माँ का किरदार निभाकर खूब वाहवाही बटोरी थी। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि फिल्मों में कभी कलरफुल तो कभी व्हाइट साड़ी पहने हुए, माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी लगाए, बीज की मांग करके जूड़ा बनाए हुए नजर आई निरूपा रॉय आज हमारे बीच इस दुनिया में नहीं है। 13 अक्टूबर 2004 को मुंबई में इनका हार्ट अटैक से निधन हो चुका है। वहीं अगर बात करें इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में तो आपको बता दें कि इनकी साल 1986 में कमल रॉय से शादी हुई थी, जिनसे इन्हें दो बच्चे योगेश रॉय और किरण रॉय हैं, जिनकी इंटरनेट पर ज्यादा फोटोज उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों, आपको अभिनेत्री निरूपा रॉय के आज के हालात से रूबरू होकर कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही ऐसी ही और खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।